हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारी किचन में। आज हम अपने किचन में बनाएंगे कुछ स्पेशल, वो भी बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बनाएंगे स्पेशल डोनट्स घर पे, वो भी विद अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि आज हम अपने डोनट्स बनाएंगे सूजी के साथ, जो बनेंगे मैदे की डोनट्स से ज़्यादा क्रिस्पी, टेस्टी और यमी। तो चलिए किचन में चलते हैं। उससे पहले एक काम करना नहीं भूलना, वो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए किचन में चलते हैं और अपने डोनट्स को बनाते हैं। तो ये हैं हमारे ब्यूटीफुल डोनट्स, जो बहुत कलरफुल हैं, बहुत ही यमी हैं, मगर लग नहीं रहे घर पे बने हैं। बट यस, ये घर पे बने हैं, मार्केट स्टाइल लग रहे हैं। बच्चे देख के सरप्राइज हो जाएंगे, ये यमी एंड ब्यूटीफुल डोनट्स। तो ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने लिया 1 कप दूध, 1/2 कप सूजी और 1/2 ही कप पिसी हुई चीनी, 2 चम्मच घी और 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 4 से 5 चम्मच चावल का आटा और ये है कोको पाउडर, ऑप्शनल अगर आप चॉकलेट डोनट्स बनाना चाहते हैं। तो ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ मैंने लिया है एक पैन, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध। दूध डालने के बाद हम यहाँ डालेंगे 1/2 कप चीनी, पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी डालने के बाद डालेंगे घी। घी हमारे डोनट्स को बनाएगा सॉफ्ट। उसके बाद घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, हम धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे सूजी। सूजी सारी एक साथ नहीं डालनी है, क्योंकि सूजी में बन जाती हैं गांठें, लम्ब्स। तो हम सूजी को धीरे धीरे करके डालेंगे और उसको गाढ़ा होने तक का वेट करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सूजी धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही है। सूजी जब पैन को छोड़ने लगेगी और एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, उसका मतलब है कि हमारा डो डोनट्स के लिए रेडी हो गया है। हम उसको पैन से बाहर निकाल, हमारा डो ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े ऊपर तक भरे हुए चम्मच चावल का आटा, जो हमारी डोनट्स को बनाएगा क्रिस्पी। लेंगे यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 बड़ा चम्मच, 1 से 2 चम्मच आप बेकिंग पाउडर इसमें डाल सकते हैं। उसको अच्छे से गून लेंगे आटे को और फिर हम उसको करेंगे रोल, उसको अच्छे से हमारा डो। अब हम अपने डो को थोड़ा मोटा बेलेंगे। आप देख रहे हैं डो को थोड़ा मोटा बेलना है। एक कटोरी की हेल्प से हमने उसको राउंड काट लिया है और एक बॉटल के ढक्कन के कैप की हेल्प से हमने उसको बीच में से हॉलो कर लिया, खाली कर लिया है और बना दी है डोनट की शेप। इसी तरीके से हम अपनी बाकी सारी डोनट्स भी बनाएंगे, जिन्हें हमने थोड़ा मोटा रखना है। आप देख रहे हैं, हमें इनको बिल्कुल पतला नहीं करना, नहीं तो ना तो ये फूलेंगी और बहुत। तो फ्राई करे हैं, फ्राई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप, आपकी गैस की फ्लेम फुल पे रहेगी, डोनट्स फ्राई होंगे फुल पे। अगर आपने सिम पे किए तो ना तो ये फूलेंगे और ना ही ये क्रिस्पी बनेंगे। तो प्लीज फ्राई देम एट हाई फ्लेम। हमारे डोनट्स फ्राई होके ब्राउन हो गए हैं, फूल गए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे डोनट्स। तो चलिए इसको डेकोरेट। बैग जो हमारे घर पे जनरली प्लास्टिक बैग्स आते हैं, उसको यूज करेंगे अपनी पाइपिंग बैग की तरह। यहाँ मैंने लिया है चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, उसमें मैंने डाले हैं 2 चम्मच फ्रेश अमूल क्रीम के और अपने इस पैकेट के कॉर्नर में डाल दिया। दूसरा मैंने लिया है यहाँ पे मिल्क चॉकलेट और उसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम के डाल के उसको भी पाइपिंग बैग में डाल के रख दिया है। करते हैं डेकोरेशन, ये है मेरा फेवरेट पार्ट, लेट्स डेकोरेट द डोनट्स। मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग्स को नीचे से काट लिया है। आप जितना मोटा काटना है उतना मोटा काट सकते हैं, इसको पतला भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ से मोटा काट लिया है और मैं अपने डोनट्स की पहला डोनट बना रही हूँ, डार्क चॉकलेट डोनट। तो मैंने अपने डार्क चॉकलेट डोनट पे डार्क चॉकलेट अच्छे से 3 लेयर्स लगा दी, जिसको करने में मुझे बहुत मजा आया और मैंने उसको अच्छे से स्पून की हेल्प से उसको पूरा अच्छे से फैला दिया है, जिससे वो सारी जगह स्प्रेड हो जाए। अब मैं दूसरे वाली डोनट जो है वो बनाऊंगी, मिल्क चॉकलेट डोनट। इसमें मैं लगाऊंगी अपनी मिल्क चॉकलेट और इसको भी मैं पाइपिंग बैग से लगा दूंगी और बाकी जहां रह गई है उसको मैं स्पून से अच्छे से फैला दूंगी। तो ये रेडी हो गई है हमारी मिल्क चॉकलेट डोनट। लेंगे फ्रेश क्रीम 2 चम्मच, जिसमें मैंने डाला है पिंच ऑफ हल्का सा येलो कलर और इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच पिसी हुई चीनी, टॉपिंग को थोड़ा सा स्वीट बनाने के लिए। नेक्स्ट मैं लूंगी 2 चम्मच क्रीम और उसमें मैं डाल दूंगी रू अफ़ज़ा और यहां मैंने ली है प्लेन क्रीम, जिसमें मैंने डाली है व्हाइट चॉकलेट। सबसे पहले हम डालेंगे पिंक टॉपिंग, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, जिसमें मैंने डाला था क्रीम में रू अफ़ज़ा और उसके बाद हम लगाएंगे अपनी येलो और सबसे कलरफुल टॉपिंग, जिसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला था और फ्रेश क्रीम डाली, यूज की है अमूल क्रीम। थर्ड टॉपिंग जाएगी व्हाइट चॉकलेट, मेल्ट करके मैंने इसमें डाली है फ्रेश क्रीम 2 चम्मच। तो ये हमारी थर्ड टॉपिंग है। तो ये सारी टॉपिंग्स रेडी हो गई हैं हमारी
डोनट्स की और अब करेंगे इसकी डेकोरेशन। डेकोरेशन आप अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वह हमारे डोनट्स जहां मैंने यूज किया है डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकलर्स, जेम्स एंड चॉकलेट चोको चिप्स। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इन सब में से। ये बहुत इजीली किसी भी केक डेकोरेशन शॉप से मिल जाता है। आप बहुत ही एंजॉय करेंगे डोनट्स को डेकोरेट करना। और भी ज्यादा एंजॉय करना है तो अपने बच्चों से डेकोरेट कराइए और बच्चों को खिलाइए ये स्पेशल सूजी डोनट्स जो घर पे बने हैं, लग रहे हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल। एंड टेल देम कि हाँ, मम्मी डोनट भी घर बना सकती हैं बिकॉज वी आर सुपर मॉम्स। फुल से डोनट्स जो बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं, बहुत ही यमी हैं, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा डोनट खाऊं। सभी बहुत यमी लग रहे हैं और टेम्पटिंग लग रहे हैं। सो लेट्स ट्राई दिस वन। ओह, इट टेस्ट सो यमी।